धन्यवाद सभापति जी. प्लीज प्लीज आपने प्लीज प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज. धन्यवाद सभापति जी, आपने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर इस ऐतिहासिक और आधुनिक भवन में चंद्रयान 3 पर होने वाली चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मुझे परमिशन दिया है, अनुमति दी है. महोदय, मैं काफी देर से पक्ष विपक्ष के बहुत सारे अपने सहयोगियों माननीय सांसदों की बातों को सुन रहा था. इसमें कोई बहस नहीं है, यह विवाद का विषय कहीं से नहीं है कि इसकी सफलता का श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है, और इसके लिए मैं इसरो की पूरी टीम को अपनी तरफ से और देशवासियों की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं अपने कई साथियों को सुन रहा था. यह सही है कि वो जहां एक तरफ वैज्ञानिकों को धन्यवाद दे रहे थे, वहीं देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को इस बात के लिए कटघरे में भी खड़े कर रहे थे, पुरानी बातों को दोहराकर ये कह रहे थे. हमारे एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि खाना बनाने वाले शेफ को क्रेडिट जाएगा या उसको परोसने वाले वेटर को क्रेडिट जाएगा. वो माननीय सदस्य अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं महोदय कि यह सही है कि कोई भी अनुसंधान, कोई रिसर्च वैज्ञानिक ही करते हैं और आगे भी वही करेंगे, लेकिन उनको अनुसंधान के लिए जो साधन संसाधन चाहिए, उनको अनुसंधान करने के लिए जो बजट चाहिए, जो धन चाहिए, साथ साथ उनको जो मोरल सपोर्ट चाहिए, नैतिक समर्थन चाहिए, वो कौन देगा? वो तो वही राजनीतिक नेतृत्व देगा जो वर्तमान में देश का नेतृत्व कर रहा है. महोदय, ज्यादा नहीं, मैं दो उदाहरण देकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा. पहला, देश के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके काफी पहले अणु बम तैयार कर लिया था, लेकिन विदेशी शक्तियों के दबाव में, दुनिया की ताकतवर देशों के भय से उसका परीक्षण करने की हिम्मत अटल जी की सरकार के पहले कोई नहीं कर रहा था. अटल जी ने यह हिम्मत दिखाई, पोखरण का सफल परीक्षण हुआ. तो मैं उन सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि आप क्रेडिट किसको देंगे? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय कि दुनिया का इतिहास है कि हर 100 साल के अंतराल पर कोई न कोई महामारी किसी न किसी रूप में आती है, और 2020 में ठीक उसी प्रकार से कोविड की महामारी भी आई, और उसके पहले का भी इतिहास यही है कि जब जब कोई महामारी इस देश के अंदर आई, तब उस महामारी के लगभग 20 से 25 साल के बाद उससे बचाव के लिए टीके आए, और वो टीके कहां से आए? विदेशों से आए. लेकिन इस बार जब 2020 में कोविड की महामारी आई, जो एपिडेमिक आया, एक साल के अंदर देश ने एक नहीं, देश के वैज्ञानिकों ने एक नहीं, दो दो टीकों का निर्माण किया, अपने अनुसंधान की ताकत पे, बल पे, उसके आधार पे. मैं पूछना चाहता हूं उन सदस्यों से कि इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? महोदय एक मिनट, मैं समाप्ति कर रहा हूं. तो बहस का विषय यह नहीं है कि श्रेय किसको जाना चाहिए. जिसके पास नेतृत्व होगा वही तो हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रयोगशालाओं में जाकर वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाते हैं, सफलता पर उनसे गले मिलते हैं, तो क्यों नहीं उसका उत्साह बढ़ेगा, और क्यों नहीं देश के लिए दोहरी दुगने नहीं 100 गुने उत्साह के साथ वो काम करेंगे? ये बहस, ये चर्चा राजनीतिक बहस का नहीं, क्रेडिट लेने की होड़ का नहीं था, लेकिन कुछ सदस्यों ने जब ये बात कह दी तो मुझे इस बात को कहना पड़ा
इस सदन में कि इसका श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है। एक तरफ जहां हिंदुस्तान का लोहा दुनिया मान रही है और भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, चाहे वो चंद्रयान 3 की सफलता हो या G20 की सफलता हो, और दूसरी तरफ हम अपने ही जगह अपने ही सदन में बैठकर अपने ही सरकार को, अपने ही नेतृत्व को सवाल के कटघरे में सवालों के कटघरे में खड़े कर रहे हैं। महोदय, मैं कहना चाहूंगा, फिर से ये कहना चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों को जो मोरल सपोर्ट, जो राजनीतिक और समर्थन, जो नीतिगत समर्थन उनको मिलना चाहिए, उसी के आधार पर ये सफलताएं हुई है। सफलताएं तो इतनी है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।